दोस्तों आज हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं रियल मी 6 में। तो रिसेंटली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड करा था, अगर आपने वो नहीं दिखाया तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बता दूँ कि मेरे पास जो ये फ़ोन है इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर मिल जाता है और 464 वाला वेरियंट है मेरे पास। तो फटाफट इसमें पबजी ओपन करते हैं और देखते हैं कितना टाइम वगैरह लेता है लोड होने में। जो पबजी का लोडिंग टाइम है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि कितना टाइम इसने लिया है लोड होने में। इसमें आपको 90Hz की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी स्मूथ है। तो बाकी देखते हैं पबजी में क्या कुछ आपको ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल मिल जाती है। 90Hz आपको अनलॉक मिलता है कि लॉक्ड है अभी भी। तो मेरे पास जो पबजी है ये अपडेटेड वर्जन है। तो फटाफट चलते हैं ग्राफिक्स में, सेटिंग्स ग्राफिक्स। तो देख सकते हैं स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस में अल्ट्रा है और HD में भी अल्ट्रा और HDR में भी आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की साइड देखेंगे तो कलर में मैंने सॉफ्ट सेलेक्ट कर रखा है, स्टाइल में मैंने सॉफ्ट कर रखा है, एंटी अलाइजिंग ऑन है। तो फटाफट क्या करते हैं एक TDM खेल के देखते हैं क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस रहती है। ईवो ग्राउंड मैप अवेलेबल नहीं है, ट्राई करते हैं डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो गया, इतने में आपको लॉबी में दिखा दूँ तो पूरा 60 FPS आपको मिलता है, कोई मतलब लैगिंग वगैरह नहीं है लॉबी में। इमोट वगैरह करके देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल 60 FPS कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। बस थोड़ा इसमें हीटिंग इशू है कि कैमरे की साइड यहाँ पे आपको हीट फील होएगा जब भी आप गेम वगैरह खेलेंगे तो। और सेटिंग्स में दिखा दूँ आपको, सेटिंग्स बेसिक्स। तो बेसिक्स में मैंने क्या कर रखा है, जायरोस्कोप इनेबल कर रखा है ताकि आपको साथ साथ जायरो का भी पता चल जाए कि इसका जायरो परफॉर्मेंस कैसा है। और सेंसिटिविटी मैंने पूरी हाई कर रखा हूँ, कस्टमाइज हाई देख सकते हैं यहाँ पे। तो फटाफट क्या करते हैं एक हम TDM खेल के देखते हैं। एरिना अभी भी डाउनलोड ही हो रहा है, VPN लग गया पता नहीं कैसे। तो देख सकते हैं हमारा जो TDM है नियरली डाउनलोड हो चुका है। एक सेकंड टाइम लग रहा है थोड़ा लोडिंग का। यू ग्राउंड एरिना TDM डेथ मैच, तो TDM खेल एरिना ट्रेनिंग खेलेंगे और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी TDM में। तो मैंने जायरोस्कोप आपको बता ही दिया इनेबल कर रखा हूँ, सेंसिटिविटी मेरी हाई है और मेरे ख्याल से जो ग्राफिक सेटिंग्स हैं वो आपको स्मूथ एरा एक्सट्रीम मिल जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कट सेटिंग्स ग्राफिक्स कंट्रोल्स थोड़े चेंज कर लेते हैं, कस्टमाइज कॉपी TPP एग्जिट माइक एंड स्पीकर ऑफ। तो देख सकते हैं पूरा 60 FPS का फील आ रहा है अभी तो। इसमें मैं आपको ऑडियो सेटिंग्स में दिखा दूँ तो मैंने ऑडियो को अल्ट्रा पे सेट कर रखा है, इसमें आपको अल्ट्रा ऑडियो अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे हमारा 1 किल हो चुका है। यहाँ पे मर चुके हैं, तो गेम काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है। सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करते हैं, बैलेंस और अल्ट्रा। तो इसमें आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है तो ये आपको थोड़ा लैगी फील होगा एज़ कम्पेयर टू 60 FPS। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी। सेट कर ले इसको HD में। जो सबसे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी ना वो स्मूथ और एक्सट्रीम में मिलेगी, बाकी तो हल्का फुल्का आपको लैग देखने को मिल सकता है HD में।
लैग नहीं कह सकते, जैसे कि ना आप 60 से अगर अल्ट्रा पे सेट होते तो आपको थोड़ा बहुत लैग तो फील होगा ही होगा। बाकी गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रन कर रहा है, यह देख सकते हैं हम। तो ये था इसका कुछ गेम परफॉर्मेंस, जिसमें देख सकते हैं सबसे बेस्ट जो इसके सेटिंग है वो स्मूथ और एक्सट्रीम है। बाकी आपको HDR HD और अल्ट्रा या फिर बैलेंस और अल्ट्रा में भी गेम प्लेवेबल है, लेकिन जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो स्मूथ और एक्सट्रीम में मिलेगा। तो यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। अगर आपको आगे चल के COD का भी रिव्यू चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर आप कौन से गेम का इस पर देखना चाहते हैं सेटिंग्स वगैरह या फिर गेम प्ले वगैरह देखना चाहते हैं Realme 6 पे। ये तब PUBG की सेटिंग्स मैंने जो आपको बता दिया है। अगर आपका कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम बहुत ही जल्दी 10K सब्स कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be not-